दोस्तों, आज वैलेंटाइंस डे है तो हम लोग वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो अभी मैं ये सब डेकोरेट करूँगी और मैं आप लोगों के साथ एक केक रेसिपी शेयर करूँगी। केक बनाने के लिए मैंने लिया है ये चॉकलेट केक मिक्स और ये 432 ग्राम का है। और मैंने लिया है यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल और वाटर और एग और एक छोटा सा बाउल और हमें चाहिए एक केक टिन और बटर पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ओवन को 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करके छोड़ देंगे। अभी मैंने एक बोल लिया है और इसमें ये जो चॉकलेट मिक्स है इसमें मैं डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे दो एग्स लिया है, अभी मैं इसे तोड़ के डाल रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वेजिटेबल ऑयल 4 to 5 टीस्पून और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। एग अच्छे से मिलने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून ऑफ सुगर यूज़ कर रही हूँ और ये ऑप्शनल है और केक में मैं फ्रोस्टिंग नहीं करूँगी तो इसलिए मैं यहाँ पे सुगर यूज़ किया है। अगर केक को फ्रोस्टिंग करेंगे तो शुगर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ पे जो बटर पेपर लिया है यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल थोड़ा ग्रीस करके हम इस बटर को इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पे गार्निश के लिए कुछ केसियोस लिया है, आप लोग चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। देन हम इस केक को ग्लोव्स पहन के ओवन में 30 to 40 मिनट्स के लिए डालेंगे। फ्रेंड्स, केक तो रेडी हो गया है तो इसे हम अभी निकालेंगे और ठंडा होने के बाद इसको प्लेट में सजाएंगे। केक ठंडा होने के बाद हम एक प्लेट लेंगे और इस केक को ऐसे पलटा के निकाल लेंगे। और मैंने जो बटर पेपर लिया था ये आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से निकल गया और हमारा केक पूरा पूरा रेडी है दोस्तों। केक तो रेडी हो गया है फ्रेंड्स, अभी मैं घर को थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ। अरे ये क्या लाए हो? पिज्जा। वाओ, जो आज खाते हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल पिज्जा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? दिस इज अंकिता, दिस इज असीम, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव ब्यूटीफुल लाइफ। और आज तो वैलेंटाइंस डे है फ्रेंड्स, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो आज हम कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन करेंगे वो घर में, और हम लोग बाहर जाने वाले थे लेकिन बहुत ठंड है फ्रेंड्स, तो इसलिए घर में थोड़ा डेकोरेट कर लिए हैं। और आज वर्किंग डे है तो कुछ कर नहीं पाए उतना, जितना भी किए हैं आफ्टर वर्किंग आवर जो भी डेकोरेशन किए हैं। हाँ, तो मैं छोटा मोटा जो केक बनाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर की हूँ और ये छोटा डेकोरेशन, साथ ही साथ ये पिज्जा ले आए हैं तो सोने पे सुहागा हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो केक कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये होममेड केक। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप लोगों के लिए मैं कुछ गिफ्ट लाई हूँ आपके लिए। ओह रियली? ऐसे गिफ्ट तो मिलता नहीं है दोस्तों, क्या है ये? अरे बाप रे, ये सारे एनिवर्सरी के लिए क्या?
अगर आपको लगा फिट हुआ तो आप एनिवर्सरी में पहन सकते हो। नाइस, हमारे तरफ से भी एक गिफ्ट है, देखते हैं क्या है, पता है। देख ली मैं। Hope you like it. Yeah, obviously. I like it. Thank you. ये पर्स मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं नहीं बोली क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा था, तो आप खुद तो कैसा लगा? थैंक यू सो मच। मैं देख रहा था एक दिन ये लैपटॉप में ऐसे ही पर्स, लेडीज पर्स सर्च कर रही थी, तो सोचा कि उसको जरूरत होगा तो ऑर्डर कर लिया बिना बताए। वैसे बिना बताए कुछ ऑर्डर करता नहीं। पिज़्ज़ा लाए थे ना, तो ठंडा हो रहा है, खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे तो इसीलिए बैलून्स हम सारे कलर का यूज किए हैं। और एक्चुअली सच बात यह है कि मेरे पास रेड कलर का बैलून एक भी नहीं था, तो मैं इसी से ही सडन डिसाइड किए कि घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो जो भी था घर में, मैं जो भी अरेंज कर पाई उसमें हम लोग अरेंज करके ये छोटा सा सेलिब्रेशन किए। तो फ्रेंड्स, हम लोग का तो हो गया अभी केक बेक कटिंग हो गया है, अभी वैलेंटाइंस डे का लास्ट फेज है, अभी थोड़ा खा लेते हैं, बहुत ही भूख लग गया है और पिज्जा देख के तो अब संभाल नहीं पा रहे हैं। और ज्यादा टाइम बात करेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर। तुमको चिली फ्लेक्स कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है, डालती हूँ। ब्लैक पेपर थोड़ा डाल दो। तो फ्रेंड्स, आज का दिन आप लोगों के साथ बिताए, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। और कुछ तो खास सेलिब्रेशन किए नहीं थे, बस जो भी किए। आप लोग तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे वहाँ पे इंडिया में। हाँ। बट यहाँ पे क्या है कि आज वर्किंग डे था तो हम लोग का उतना ज्यादा टाइम नहीं मिला सेलिब्रेशन करने का, तो जितना हो पाया किए। और इंडिया में तो वैलेंटाइंस डे खत्म हो गया होगा ना, तो उनका खत्म हुआ, हमारा स्टार्ट हुआ, तो ये वीडियो थोड़ा लेट में आएगा वैलेंटाइंस डे खत्म होने के बाद। पूरा मन शांति हो गया आज। तो आप लोगों को किस किस को पिज्जा पसंद है फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा। और आज का दिन आप लोग हमारे साथ बिताए उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक एक्साइटिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो का वेट करते रहिए। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं आपका वीडियो थोड़ा लेंथ लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो आज उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो डालूंगी जो कि छोटा होगा। ये भी लंबा हो जाएगा देखना। पता नहीं, देखते हैं। चलिए मिलते हैं गाइस, बाय बाय। बाय बाय एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे।